खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। कर्नाटक में आज बहुमत साबित करेंगे येदुरप्पा, सुबह 10 बजे से शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही, विश्वास प्रस्ताव रखेंगे येदुरप्पा। चौथी बार कर्नाटक के सीएम बने येदुरप्पा को बहुमत साबित करने का पूरा भरोसा, कहा हमारे पास बहुमत के लिए जरूरी नंबर मौजूद। विधानसभा के मौजूदा गणित में बीजेपी के पास बहुमत का आंकड़ा, अभी बहुमत के लिए 104 विधायकों की जरूरत, बीजेपी के पास एक निर्दलीय को मिलाकर 106 विधायक। कर्नाटक में बाकी विधायकों के भविष्य पर सवाल, पहले 3 और कल 14 विधायक अयोग्य घोषित, विधानसभा के मौजूदा कार्यकाल 2023 तक नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान, बोले कर्नाटक में मंत्रिमंडल के गठन के बाद बीजेपी नया मिशन शुरू करेगी। मंगलवार को मौजूदा हालात और चुनाव की तैयारी को लेकर जम्मू कश्मीर पर बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक, प्रधानमंत्री मोदी भी इस बैठक में हिस्सा ले सकते हैं। जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमले को लेकर अलर्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने काउंटर टेररिज्म ग्रिड के अधिकारियों के साथ बैठक की। जम्मू कश्मीर में फोर्स बढ़ाने से आग बबूला, महबूबा मुफ्ती की धमकी, अब कहा आर्टिकल 35 ए को हाथ लगाया बारूद को जैसा होगा। बीजेपी सांसद रमा देवी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी को लेकर आजम के खिलाफ आज हो सकती है कार्रवाई, लोकसभा अध्यक्ष आज फैसला ले सकते हैं।